मैं हूं अमीश देवगन और मेरे साथ इस चुनावी सीजन का सबसे बड़ा, जिसे कहते हैं सबसे बड़े मेहमान है, यानी एक मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देने के लिए हमारे साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं। मोदी जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पे। नमस्कार। नमस्कार भैया, आपके सभी दर्शकों को भी हमारा नमस्कार। मोदी जी, चौथे चरण की वोटिंग जारी है, तीन चरण संपूर्ण हो चुके हैं, ये चुनाव आपको कहां जाता हुआ दिख रहा है? खासतौर पर तेलुगु सीट्स में भी वोटिंग है। पहले तीन चरण के जो चुनाव हुए हैं उससे मैं साफ देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी कहो या उसके साथी कहो जी, सबके सब एक प्रकार से दिशाहीन नजर आते हैं। अब देखिए, आपको कहीं पर भी इंडी अलायंस नजर नहीं आएगा। वो नेता नहीं तय कर पा रहे हैं, वो एजेंडा तय नहीं कर पा रहे हैं। उनको लगता है कि मोदी का घोर विरोध, मोदी को गाली गलौच जी, उसी से उनका काम चल जाएगा और वो उसी के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। देश इतना बड़ा देश जी, आज खास करके जो नौजवान मतदाता है जी, वो ये हमेशा सोचता है कि आखिरकार इतने बड़ा देश, इतनी विविधताएं, ऐसा कौन नेता है जी जो इसको संभाल पाएगा? नाम बताओ। इंडी अलायंस के लोग नाम नहीं बता पा रहे हैं और वो कहते हैं बाद में, फिर इतना भी कहते हैं कि भाई अभी एक मैंने कहीं अखबार में पढ़ा, वो एक ऐसी फॉर्मूला ला रहे हैं जी, जिस फॉर्मूला में 5 साल में 5 प्रधानमंत्री, हर वर्ष 1 प्रधानमंत्री। अगर हर वर्ष 1 प्रधानमंत्री वो लाएंगे जी, तो आप मुझे बताइए कि देश का क्या होगा। आपको गांव के लोग बढ़िया मजेदार कथा सुनाते हैं जी, कि एक बार 10 किसान इकट्ठे हुए जी और उन्होंने सोचा कि भाई कुछ पानी के बिना क्या होगा, तो मिलकर के उन्होंने जो पानी की जांच करने वाले लोग हैं तो उनको बुलाया, तो कहा भाई पानी तो निकल सकता है, अगर 100 मीटर ट्यूबवेल कर देंगे तो पानी आपको निकलेगा और पानी मिलेगा। तो फिर 10 किसानों ने कहा ऐसा करो भाई, 10 मीटर मेरे यहाँ गड्ढा करो जी, दूसरे ने कहा 10 मीटर मेरे यहाँ करो, तीसरे 10ों ने कहा 10-10 मीटर कर लो, 100 मीटर हो जाएगा, क्या पानी निकलेगा क्या? तो 5 साल में 5 प्रधानमंत्री इतने बड़े देश को वो समझ भी नहीं पाएंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि 400 पार की पहले मोदी जी बात कर रहे थे, अब नहीं कर रहे हैं। मैं कल भी बोला हूँ जी, अब वो